बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अर्पित फ्रॉम फैज़ाबाद, ये प्रॉब्लम थ्री डायमेंशनल एनालिसिस की है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3.5.7 इन द प्लेन 2x + y + z = 6। यहाँ पर एक ये हमको प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, तो इस प्लेन पर हमें इन इस प्लेन को मेरा जैसा समझना है और इस दिए गए पॉइंट का इमेज हमको फाइंड करना है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 3.5.7। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसका इमेज अगर फाइंड करना है तो इस ए पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। माना कि वो किसी पॉइंट बी पर माना कि गिरता है परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल प्लेन पर, और इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो जितनी बी से ए तक की डिस्टेंस है उतनी ही बी से ए डैश तक की डिस्टेंस होगी, तो ए डैश पॉइंट कहलाएगा, इस ए का इमेज कहलाएगा, क्योंकि ये मिरर इमेज होता है इस प्लेन को अगर मिरर कंसीडर किया जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी ए ए डैश लाइन इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, यानी इस ये जो लाइन होगी बी ए बी कह दें या ए डैश कह दें, तो इस प्लेन पर नॉर्मल होगी यानी हर तरफ से परपेंडिकुलर, और हमें इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हमको दे रखा है 2x + y + z = 6। तो यहाँ पर जो x को कोफिशेंट है वो 2 है, y को कोफिशेंट नहीं लिखा तो 1 होगा, z को कोफिशेंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 2, 1, 1 ये एक्चुअल में जो प्लेन का नॉर्मल होता है यानी परपेंडिकुलर लाइन, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर हो सकती है, तो उसके डी आर एस को डिनोट करता है। तो डी आर एस हो गए 2, 1, 1 हो गए, यानी इस लाइन के डी आर एस हो गए जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, ए पॉइंट से होकर जाने वाली और बी पॉइंट से होकर जाने वाली और ए डैश से जाने वाली लाइन को इक्वेशन फाइंड कर लें यहाँ पर। तो इस पॉइंट से एक पॉइंट और जिस लाइन के डी आर एस मालूम हो उसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू एंड नॉर्मल टू दी प्लेन, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है प्लेन 1। तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए x माइनस कर दें जो इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है यानी 3, x - 3 आ गया = y - लिखें, ये y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5, ऐसे ही z - 7 हो जाएगा, ये z कोऑर्डिनेट हो गया। अब पान में लिखना है इस लाइन के जो नॉर्मल है प्लेन के डी आर एस, जो कि निकाले से 2, 1, 1 यानी 2, 1, 1 प्लेन के वजह से 2, 1, 1। अब हमें इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी फाइंड करना है, तो उसके लिए प्लेन के इक्वेशन में हम लाइन के इक्वेशन से वैल्यू निकाल के लाएंगे एक्स बाई जेड रख के, इस पॉइंट पे देखेंगे इस बी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हम इस पूरे रेशियो को आर के इक्वल रख देते हैं, वही हमने बोला आर की वैल्यू क्या होती है इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि आर की वैल्यू डिफरेंट होगी तो डिफरेंट पॉइंट डिनोट हो जाएंगे इनफाइनाइट, चूँकि लाइन पे पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट ये आर की वैल्यू होगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेशियो को लास्ट रेशियो के इक्वल कर दें, ये लाइन के क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। तो फर्स्ट x - 3/2 आर के इक्वल हो जाएगा, y - 5/1 भी आर के इक्वल हो जाएगा, ऐसे z - 7/1 भी आर के इक्वल हो जाएगा। इससे हमको ये वैल्यू मिल जाएगी x - 3 = 2r हो जाएगा, y -
फाइव की वैल्यू ओनली आर हो जाएगी, जेड माइनस सेवन इक्वल टू आर हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर एक्स की वैल्यू थ्री प्लस टू आर होगी, वाई की वैल्यू फाइव प्लस आर हो जाएगी, जेड की वैल्यू सेवन प्लस आर होगी। तो अब हम इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे और इस लाइन टू और प्लेन वन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टू इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू थ्री प्लस टू आर ये वैल्यू रख रहे हैं, प्लस वाई की वैल्यू ये यहाँ वाली रख देंगे फाइव प्लस आर, प्लस जेड की वैल्यू सेवन प्लस आर रख दी। राइट हैंड साइड में सिक्स था इक्वेशन नंबर वन में, वैल्यू पुट कर दी। ब्रैकेट खोलेंगे तो सिक्स प्लस फोर आर हो जाएगा, प्लस फाइव प्लस आर प्लस सेवन प्लस आर इज इक्वल टू सिक्स। ब्रैकेट ओपन कर दिया, सिक्स सिक्स लेफ्ट राइट का कैंसिल किया, आर की वैल्यू हो गई ये सिक्स हो जाएंगे आर, और प्लस का ये हो जाएगा ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसपोज करेंगे सिक्स आर की इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स करेंगे, आर की वैल्यू हमको मिल जाएगी टू, आर की वैल्यू यानी माइनस की टू मिल गई, यानी इस पॉइंट बी के लिए आर की वैल्यू माइनस टू हो गई इस लेन के लिए। तो हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर, अगर इसको इक्वेशन नंबर हम डाल लेते हैं थ्री, तो लाइन के इक्वेशन से हम इस पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकेंगे। तो इक्वेशन नंबर थ्री में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर थ्री से आर की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री प्लस टू आर है, थ्री प्लस टू आर की वैल्यू माइनस टू है। इसी तरीके से y की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी फाइव प्लस आर और r की वैल्यू माइनस का टू है। इसी तरीके से z की वैल्यू थी सेवन प्लस आर, r की वैल्यू माइनस टू है। तो हम यहाँ से ये वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी, तो थ्री प्लस के हैं तो माइनस वन बचेगी x की वैल्यू, y की वैल्यू थ्री बचेगी और सेवन माइनस टू हो जाएगा तो y z की वैल्यू हुए फाइव आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मिल गए हैं, माइनस वन थ्री और फाइव। अब b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं तो हम इस पॉइंट a डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको भी फाइंड कर सकेंगे। तो ए डैस जिसको हमने माना है कि ए का इमेज है, तो ये एक्चुअल में बी पॉइंट जो आया वो ए डैस का जो होगा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल बीच में होगा, यानी बाईसेक्ट कर रहा होगा ए डैस को। तो बाईसेक्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है कह सकते हैं ए डैस का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो अगर एक्स वन वाई वन जेड वन माने, और इस ए डैस के कोऑर्डिनेट को अगर एक्स डैस वाई डैस जेड डैस अगर कंसीडर कर दें, तो ये पॉइंट अगर एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो इसका एक्स टू वाई टू जेड टू और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम अगर एक्स वाई जेड कंसीडर करें, एक्चुअल में इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो हम लोग मिडिल पॉइंट वाला फार्मूला जानते हैं कि मिडिल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं वो जिनके मिडिल पॉइंट हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के टू से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट को भी जोड़ के टू से डिवाइड करेंगे और जेड कोऑर्डिनेट को भी ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल चुके हैं माइनस वन थ्री और फाइव, और यहाँ पर ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है थ्री, और इसका हमने माना था एक्स डैश जिसकी वैल्यू फाइंड करना है अपॉन में टू बाई। इसी तरीके से ये वैल्यू गिवन थी हमें बाई वन की वैल्यू, यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइव है और इसका वाई डैश अपॉन में टू, ऐसे जेड डैश ये सेवन है प्लस का जेड डैश अपॉन में टू। अब इनको आपस में इक्वेट कर दें तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन की वैल्यू जो होगी वो थ्री प्लस एक्स डैश अपॉन टू के इक्वल होगी, ऐसे ही थ्री की वैल्यू जो वाई कोऑर्डिनेट है फाइव प्लस वाई डैश अपॉन टू के इक्वल होगी, जेड कोऑर्डिनेट फाइव की वैल्यू सेवन प्लस जेड डैश अपॉन टू होगी। ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस टू इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स डैश हो जाएगा, टू करेंगे टू करेंगे सिक्स हो जाएगा फाइव प्लस वाई डैश, और इसका इंटू करेंगे टेन इज इक्वल टू सेवन प्लस का जेड डैश। यहाँ से हम x की डैश की वैल्यू निकालेंगे, थ्री उधर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टू के साथ जुड़ के माइनस फाइव बन जाएगा,
और 5 ट्रांसपोज हो गए बाई डी एस की वैल्यू, यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगी, जेड एस की वैल्यू 10 में से 7 माइनस होकर 3 के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से जो हमने इमेज पॉइंट ए डस माना था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डस बाई डस जेड डस हमने कंसीडर किए थे, वो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 5, 1 और 3। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आकर दाबाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन आपको इस चैनल पर भी मिल जाएंगे और हमारे दूसरे YouTube चैनल पर भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो हमारा दूसरा YouTube चैनल है SHOAEL लिख के, यानी MOHD SHOAEL लिख के कॉमा लगा देंगे तो ढूंढ सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।